बड़ी खबरों के बाद इस वक्त की खबरें आपको विस्तार से बताते हैं। पुलवामा हमले के बाद भारत सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है, वो ये कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 5 नेताओं की सुरक्षा हटा ली गई है। मीरवाइज उमर फारूक, अब्दुल गनी लोन की सुरक्षा हटाई गई है, वहीं हाशिम कुरैशी, शब्बीर शाह की भी सुरक्षा वापस ले ली गई है। ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा वापस ली गई है। हाल ही में एक आरटीआई भी दर्ज की गई थी, उसमें ये जानकारी बताई गई थी सालाना 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं अलगाववादी नेताओं पर। अजय जाडियाल और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय के पास रुख करेंगे। अजय, ये बड़ी जानकारी है जो कि भारत सरकार ने बड़ा फैसला भी लिया पुलवामा हमले के बाद, और ये इस बात का संकेत साफ दिया कि जितनी सुरक्षा दी जा रही थी, क्योंकि करोड़ों खर्च किए जा रहे थे सुरक्षा में अलगाववादी नेताओं के, वो सब वापस ली जाती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और लगातार अगर देखें तो पिछले लगभग 3 डिकेड से भी ज्यादा समय से, जब से कश्मीर में हालात खराब हैं तब से लेकर ये सेपरेटिस्ट लीडर जो है वो कई बार देखा गया है कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज और एंटी नेशनल बयानबाजी जो है वो करते रहे हैं। कई बार देखते हैं कि ये लोगों को उकसाने का काम करते हैं, कश्मीर में बंद की कॉल दी जाती है, और कब दी जाती है, जब कश्मीर में कोई आतंकी मारा जाता है, जब कश्मीर में पत्थरबाज जो है वो सेना पर पत्थरबाजी करते हैं और उनमें अगर कोई उनको नुकसान होता है तब ये चीजें करते हैं, जबकि जब सेना या सुरक्षा बलों का कोई नुकसान होता है तो तब इनकी तरफ से कोई बयान नहीं आता। फिर ऐसे लोगों को आखिरकार क्यों सुरक्षा कवच दिया जाए, ऐसे लोगों को क्यों सरकारी गाड़ियां और बाकी खर्चा इन पे किया जाए, ये कई बार सवाल उठते रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं सरकार ने ये फैसला ले लिया है, और पुलवामा हमले के बाद ही सही मगर ये फैसला आने के बाद ये जरूर माना जा रहा है कि ऐसे लोगों को, ऐसे इंटरनेशनल एलिमेंट्स को कर्व करने में सरकार जो है बड़ी सीरियस है, और तभी ये फैसला लिया गया है। और अब सिर्फ 5 लोगों के अभी तो नाम जो है विड्रॉ किए गए हैं, मगर उसके बावजूद आपको बता दूं जो सूचना है वो ये है कि कहीं और जो ऐसे लोग हैं जिनको इसी तरह की सुविधाएं दी जाती हैं उनकी भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी विड्रॉ होनी चाहिए, तभी जाकर सीधे तौर पे जो है कश्मीर में अगर हालात जो है वो बेहतर हो सकते हैं। अगर आप देखें तो पिछले कई सालों से ये लोग, ये जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं वो भड़काने का काम लोगों को करते थे, मगर आज तक कभी ऐसा नहीं देखा गया कि ये लोग जो है लोगों को शांत रहने के लिए करें, लोगों को ये समझाएं कि कश्मीर में डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, तरक्की कैसे हो सकती है, उनके बच्चों का भविष्य बेहतर कैसे हो सकता है, ये सब नहीं होता था, मगर सिर्फ और सिर्फ यही चीजें होती थी कि कश्मीर में किस तरह से जो है वो बंद किया जा सकता है, किस तरह से प्रोटेस्ट किए जा सकते हैं, किस तरह से आतंकियों के साथ इनके लिंक जो एस्टेब्लिश हुए हैं नई की जांच में, किस तरह से ये जो टेरर फंडिंग है उसमें शामिल रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार ने ये अहम फैसला लिया है। वैसे अजय, देखा जाए तो एक अलगाववादी नेता के पीछे 20 से 25 सुरक्षाकर्मी रहते हैं, एक ऐसा आंकड़ा भी सामने आया जो कि आरटीआई के जरिए इन्फॉर्मेशन भी दी गई थी, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे क्या जांच एजेंसियों की नजर है कि ये लोग किस तरह की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, क्या इस बात को खंगालने की कोशिश हो रही है पुलवामा हमले के बाद, क्योंकि इनसे जुड़े सभी डाटा भी इकट्ठे किए जा रहे हैं क्या? देखिए, सरकार के पास पहले से कहीं ना कहीं जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके पास ये सारा डाटा रहता है कि ये लोग कहां रहते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से इनकी एक्टिविटीज है, किस तरह की इनकी प्रॉपर्टीज हैं, इनके अपने बच्चे जो है फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में पढ़ते हैं और यहां ये लोगों के बच्चों को जो है वो भड़काने का काम करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो लोग भी समझते हैं और कहीं ना कहीं उनके पास भी जो है वो सुरक्षा बलों के पास भी रहती है। मगर पिछले दिनों जब कश्मीर में टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज हम देखी कि किस तरह से जो है वो अमरनाथ यात्रा पे हमला हुआ, किस तरीके से कश्मीर में उड़ी में हमला हुआ, किस तरीके से पत्थरबाजी होती रही, किस तरीके से सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाता रहा, तो उसके बाद जब एनआईए ने जांच शुरू की तो यह पता चला कि टेरर फंडिंग जो होती है उसमें ये लोग शामिल रहते हैं, और यही सारी चीजें जब जांच में सामने आई तो उसके बाद कार्रवाई होना जो है वो जायज सी बात है, वो लाजमी था, और अब आखिरकार कार्रवाइयां शुरू हुई हैं। कई बार जो है आपने देखा होगा कि कई सेपरेटिस्ट लीडर जो है उनको एनआईए ने पूछताछ के लिए बुलाया है, चाहे वो कोई भी हो, मगर अब आने वाले समय में शायद कार्रवाई का वक्त आया, और उम्मीद ये की जा रही है कि जब ये कार्रवाइयां शुरू होंगी तो कश्मीर में जो कहीं ना कहीं भड़काऊ भाषण और बाकी चीजें देखने को मिलती थी, यहां ये लोग जो पाकिस्तान का एजेंडा चलाने की कोशिश करते थे, जो कई तरह से सुरक्षा बलों को नुकसान होता था, कश्मीर में टर्मॉइल होता था, उसमें इनका जो रोल होता था वो एक अहम रोल जो है वो बंद हो जाएगा।
बिल्कुल अजय, आप सही कह रहे हैं कि कार्रवाई करना शुरू हुई है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो अलगाववादी नेताओं में सबसे टॉप पे जो नाम आता है वो मीरवाइज उमर फारूक का आता है, जिन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा दी गई है राज्य सरकार की तरफ से, चाहे वो सुरक्षा हो या तमाम सुविधाएं हो। और पता तो ये भी चला है कि जो डीएसपी रैंक के अफसर हैं वो तक उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। तो ये बड़ा फैसला है जो सरकार की तरफ से लिया गया है। बिल्कुल, आपको बताऊं, मीरवाइज उमर फारूक हो या फिर सईद अली शाह गिलानी हो या बाकी ये अब्दुल गनी भट्ट जैसे जो बड़े सेपरेटिस्ट नेता अपने आप को मानते हैं, जो अपने आप को कश्मीरी हिमायती बताते हैं, इन लोगों के पास जो है कड़ी सुरक्षा है। इनको कहीं जाने जाने के लिए यहां तक कि बुलेट प्रूफ गाड़ियां तक मुहैया करवाई गई हैं। अब वो सारी हट जाने के बाद देखना है कि ये किस तरीके से अपने आप को जो कहीं कहीं जो लविश लाइफ जो जीते हैं उसमें कहीं विराम लगेगा। और उसके बाद सबसे अहम चीज ये है कि अगर वही ताकत, वही सोच, वही चीजें जो है ये अगर कश्मीर के भलाई के लिए की होती तो शायद ऐसा नहीं होता और आज ये सही मायने में कश्मीर के लीडर होते और कश्मीर आज शांत होता। मगर इस पर जो है चोट करके अब इनकी तरफ से कभी भी कोई कोशिश नहीं गई, कोई पेशकश नहीं की गई कि शांति बहाल किया जाए, बल्कि इनका काम हमेशा अलगाव फैलाने का ही रहा है। इस वजह से भारत सरकार की भी नजर और पांच नेताओं की सुरक्षा वापस ली गई है, जैसा कि अजय जांडियाल हमें जानकारी देने के लिए दे रहे थे। अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और आप